देखिए कवि कल्पना कर रहा है कि जो जीव इस संसार में आया है उसे जाना है, सबको पता है कि सभी को जाना है। इंसान आता है चला जाता है, पल्ले के लिहाज से जाना उसी का होता है कि जब वो यहाँ से जाए तो कुछ अच्छे कर्म करके जाए, अच्छे कर्म करके जाए, हाथों से दान पुण्य करके जाए, भगवान का गुणगान करके जाए, तो उसका जाना होता है। और वो जीवन नहीं होता है कि पशु की तरह आ रहे हो पशु की तरह चले गए। तो यहाँ पे कभी कल्पना कर रहा है कि अरे ना दाने परदेशी हे मनुष्य, कि अरे ना दानी परदेशी तू दुनिया छोड़ी जाएगा। माताओं सभी करेंगे और बोलेंगे अरे नादान परदेशी तू दुनिया छोड़ी जाएगा। क्या ले करेंगे आया जग में साथ क्या लेके जीव इस संसार को छोड़ करके जाएगा तो कुछ नहीं साथ में जाएगा। बताया कमाई लाख धन दौलत करोड़ी बन के बैठा तू, धर्म के ना सिवा कुछ भी, धर्म के ना सिवा कुछ भी साथिये भेला जाएगा।
और कवि कल्पना करता है यहाँ दर्शाया गया है। मिला शुभ कर्म से अर्थ इसे यू शुभ कर्म से नर्तन इसे यूं गवाना ना। पता नहीं आप और हम लोगों ने पूर्व जन्म में कितने अच्छे कार्य किए होंगे, इन हाथों से कितने शुभ कार्य किए होंगे जो कि अब हमें आकर के मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ इस जन्म में आकर। इसलिए हमें ये समय व्यर्थ नहीं गवाना चाहिएगा, क्योंकि जब श्रम जब शुभ कर्म किए ना तब हमें आकर के मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ। अच्छे कर्म करने से और उसे ये वृद्ध में गमा दो तो फिर जीवन का कोई मतलब नहीं निकलता है, कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए सभी बोलेंगे ताली के साथ देकर के, माताओं सभी बोलेंगे शरीर सुंदर दिया, मनुष्य का शरीर दिया, तूने जाकर के मेरा कितना गुणगान किया, कितने अच्छे काम किए, क्या क्या किया जाकर के, तब आपको वहां जवाब देना पड़ेगा। प्रभु के सामने जाकर ये चेहरा कैसे दिखाए, समय अनुसार। बड़े बड़े बहादुर चले गए, बहुत सारे लोग चले गए, रह गए वो भी धीरे धीरे चले जाएंगे, जाना सभी को है। चली जाओगे दुनिया से नाम फिर क्या रह जाएगा, चले जाओ परदेशी, अरे ना जाने परदेशी तू
छोड़ी जाए की जय।